तो ये है जर्नी हमारी गोवर्धन धाम और वृंदावन धाम की। काफ़ी सारे अच्छे एडवेंचर भी हुए, काफ़ी सारे बुरे एडवेंचर भी हुए, पर मज़ा बहुत आया और यही मज़ा हम आपको भी देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे संग इस सफ़र में। यहाँ चाय पीने के बाद में हम निकल जाते हैं हमारी परिक्रमा देने के बाद में हम चले जाते हैं राधा रानी मंदिर, जो कि बरसाना में है। और यहाँ पर जो पीस था, ये मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता, अपने शब्दों में आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना होगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद में हम निकल जाते हैं बाकी बिहार जी मंदिर और राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए, जो कि वृंदावन में है। और यहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी। बाकी बिहार जी मंदिर पर फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर हम फोटेज नहीं निकाल पाए, पर राधा वल्लभ जी टेम्पल पर हमने फोटेज निकाल ली क्योंकि वहाँ पर अलाउ था तो दर्शन के लिए। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद में हम निकल जाते हैं यमुना घाट की ओर। बोला जाता है यमुना जी सांवली थी, तो इसलिए इनका रंग सांवला होता है पानी का। यहाँ पर कुछ पल सुकून के बिताने के बाद में हम निकल जाते हैं हमारे स्टेशन की तरफ। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा पूरे वृंदावन धाम का। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बोलो राधे राधे, राधे।